सीमा विवाद पर भारत चीन के बीच आज 14वें दौर की बैठक, हॉट स्प्रिंग डेमचोक और डेपसोंग पर चर्चा संभव। सूत्रों के मुताबिक आज दोनों देशों के सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर स्तर की बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर होगी। करीब 3 महीने बाद दोनों देशों के बीच ये मीटिंग होने जा रही है। आखिरी मीटिंग पिछले साल अक्टूबर के महीने में की गई थी। आज होने वाली मीटिंग में पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर हॉट स्प्रिंग और दूसरे विवादित इलाकों में डिस इंगेजमेंट पर बातचीत होने की संभावना है। देश भर में आज से शुरू होगी नीट PG काउंसलिंग। न्यायालय के आदेश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी थी मंजूरी। देश भर में आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी पिछले दिनों इस बात की पुष्टि की थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को अपने अंतरिम आदेश में 2021-22 के लिए नीट PG दाखिले के लिए मेडिकल काउंसलिंग करने की अनुमति दी थी। PM मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। रिटायर्ड जज की अगुवाई में बनाई गई थी कमेटी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज आएगा। सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाएगी। आज पता चलेगा कि कमेटी का नेतृत्व कौन करेगा और उसके सदस्य कौन कौन होंगे। साथ ही ये भी पता चलेगा कि कमेटी कितने दिनों में रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस कमेटी में केंद्र और पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कमेटी में रखा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटियां फिलहाल अपना काम ना करें। PM मोदी आज तमिलनाडु में 11 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। PMO की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नए मेडिकल कॉलेज लगभग 4,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर भारत में और सर्द हुआ मौसम, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, 13 जनवरी तक कई राज्यों में येलो अलर्ट। देश भर में मौसम सर्द होता जा रहा है। बारिश, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कई पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी का सितम बढ़ गया है। बिहार के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए 11 से 13 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कोरोना बेलगाम, 24 घंटे में सामने आए 21,259 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 21,259 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 25.65% हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को यहां साझा किए गए आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। विभाग ने कहा कि सोमवार को कुल 82,884 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 61,060 RT-PCR जांच शामिल है। योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद जमकर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले अभी देखिए आगे की धार। शरद पवार ने भी किया बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्रिमंडल और भाजपा से इस्तीफा देने के बाद राज्य के 3 अन्य भाजपा विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी। वहीं NCP सुप्रीमो शरद पवार ने भी UP में होने वाले चुनावों से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा अभी शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होगा। 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की तलाश में है। हम निश्चित रूप से राज्य में बदलाव देखेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं लड़ेंगी यूपी विधानसभा चुनाव, पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने किया बड़ा ऐलान। मंगलवार को एक बयान जारी कर मिश्रा ने दावा किया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लेंगी। सूत्रों की माने तो BSP ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। उम्मीदवारों के नाम 14 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा पहले चरण के मतदान की अधिसूचना के साथ जारी किए जाएंगे। भारत रत्न लता मंगेशकर हुई कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के अस्पताल में की गई भर्ती। अपनी गायकी से पिछले 75 साल से लोगों का दिल जीतने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर
कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। 92 साल की लता दीदी को एहतियातन आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। उम्र ज्यादा होने के कारण परिवार ने लता दीदी को कल शाम अस्पताल में भर्ती करने का फैसला लिया। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 12 जनवरी महान दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती का दिन है। इसी उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत में मनाई जाती है।